आत्म विवेचन, अपनी शक्तियों का सूक्ष्म निरीक्षण कीजिए, उनको जागृत कीजिए, उन्हें एकाग्रचित से कार्य में लगाइए, तब देखिए कि कैसे आपका कार्य पूरा नहीं होता है और आपको सफलता नहीं मिलती है। प्रायः मनुष्य दूसरों की सफलता शक्ति देखने में ही अपना बहुमूल्य समय खो देता है। इस ईर्ष्या द्वेष के कारण भी अपना कार्य नहीं कर पाता है। यह सब न कर मनुष्य को अपने पर भरोसा करना चाहिए, उसमें सब गुण होते हैं, आवश्यकता पड़ने पर अपने आप आ जाते हैं। एक गरीब आदमी को राजा बना दिया जाए अथवा उसको अच्छा पद दे दिया जाए, तो आप क्या यह समझते हैं कि वह अपना यह कार्य न कर पाएगा? अवश्य करेगा, उसे अवसर मिलना चाहिए। अवसर न मिलने के कारण मनुष्य की सारी प्रतिभाएं दबी रह जाती हैं। बाहर का कोई आपको अवसर न देगा, आपको खुद अवसर तलाशना होगा। आज आप स्वयं को असहाय, दुर्बल, अक्रमण्य और अपना जीवन व्यर्थ समझते हैं, इसी कारण आप इस प्रकार हैं। अपने को पहचान कर आप पूरी ताकत से अपना काम करें तो फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। कुछ लोगों से पूछने पर क्या चल रहा है भाई, क्या हालचाल है, जवाब मिलता है बस दिन कट रहे हैं, जीवन काट रहा हूं। इस प्रकार के उत्तर अत्यंत निराशाजनक होते हैं। इससे आदमी की दुर्बलता जाहिर होती है। अपने आप को पहचान लेना ईश्वर को पहचान लेना है। इस आत्मदर्शन में बड़ी प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार की प्रेरणा मानव जीवन को उच्च से उच्चतम और महान से महानतम बनाती है। प्रेरणा हमेशा आगे बढ़ाती है, यही जीवन का मूल मंत्र है। अपनी शक्तियों की पहचान आप किनारे पर बैठकर नहीं कर सकते। जिस प्रकार सागर तट पर खड़े होकर आप उसकी गहराई का अनुमान नहीं लगा सकते, इसी प्रकार आंतरिक शक्तियों की दशा है। प्रायः कई बार ऐसा होता है कि कर्म क्षेत्र के कष्टों या संकट आने पर अचानक हमारी गुप्त शक्ति जाग उठती है और हम उस कष्ट या संकट का मुकाबला करने में समर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार की शक्ति हमारे पास है, इसका आभास हम पहले नहीं कर पाते हैं। जीवन में इस प्रकार की अनेक घटनाएं देखी गई हैं। प्रसिद्ध व्यंग्यकार बर्नार्ड शो ने अपनी पहली रचना प्रकाशन के लिए भेजी तो वो लौट आई। शो को ठेस लगी, ठेस बहुत गहरी थी, पर शो ने ठान लिया कि वह लेखक बनकर रहेंगे। जॉर्ज बर्नार्ड शो लेखक बनकर रह गए। जब उनको ठेस लगी तो उनकी आंतरिक शक्ति जाग उठी, उसी के बल पर वह महान लेखक बने। कुछ लोगों की आंतरिक शक्तियां इतनी गहरी छिपी होती हैं कि कोई विशेष घटना ही उनको जगा पाती है। साधारण कार्य, दुखों या सामान्य जीवन चर्चा उनकी शक्ति नहीं जगाती है, पर गहरी ठेस लगती है तो वह प्रलय कर देती हैं। तब वह इस प्रकार जीवन के संग्राम में कूद पड़ते हैं कि उनको तब कोई शक्ति नहीं रोक सकती। तब वह बड़े से बड़ा खतरा भी उठा लेते हैं, उनके आगे किसी का भी टिकना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार चोट खाया सर्प बदला लेने पर उतर हो जाता है, वैसी ही दशा उनकी भी होती है। इस प्रकार के तो अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अहम पर ठेस, कटु वचन, अपमान के कारण बहुतों की शक्ति जाग उठती है, वो तब बदला लेकर रहते हैं। इंसान आंतरिक ताकत से भरपूर है, इसमें कितनी और कैसी शक्ति है इसका आभास स्वयं मनुष्य को नहीं होता। कब कौन अपने आंतरिक ताकत के बल पर क्या कर गुजरेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। जीवन में इसीलिए कहा गया है कि इंसान का भाग्य कब करवट बदल ले कोई नहीं बता सकता है। आंतरिक शक्तियों के इस रहस्यमय रंग रूप के कारण ही भाग्य की उत्पत्ति हुई है, चमत्कार दिखला जाया करती है। मनुष्य की गुप्त शक्तियां और उन पर लेबल लग जाता है भाग्य का। भाग्य कुछ नहीं है, यह केवल मनुष्य की अपनी गुप्त शक्तियों का करिश्मा मात्र है।